वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वैशाली राजपूत, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझाती हूँ शॉर्टली, ठीक है। और फिर हम सभी उन करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उनसे, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आता है कि आपको आर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाएगा, फिर उसके साथ में ही लिखा होगा कि आपको उसके साथ में एक्स्ट्रा पार्ट्स में, यानी कि सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कंप्यूट करना है, देन आपको उसमें कमेंट करना है इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि हमारे लिए तो न्यूमेरिकल पार्ट के साथ साथ जो भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शॉर्ट में मैं आपको समझाती हूँ। नंबर वन, क्या करेक्टरिस्टिक्स है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ओरिजिन एंड स्केल से क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि वो ओरिजिन और स्केल से डिपेंडेंट नहीं है। क्या मतलब होता है ओरिजिन का और द स्केल का? सबसे स्टार्टिंग में हमें इस कंसेप्ट को समझना है। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है कि जैसे हमारे पास x की वैल्यू होती है, ठीक है, x है हमारे लिए और हमारे लिए y है। इसमें मैं समथिंग कुछ क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, यानी कि ये मैंने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, ठीक है। और इसमें वाई में भी मैंने क्या कर दिया, कुछ कांस्टेंट को माइनस कर दिया, ठीक है। यानी कि मैंने कुछ भी चीज़ों को ओरिजिन में, यानी मैंने एक्स में और वाई में इसी पार्ट को ऐड कर दिया है कांस्टेंट को, और उसी को मैंने माइनस कर दिया, यानी कि जो भी कुछ भी चेंजेस है, ठीक है, अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के रिगार्डिंग है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो यानी कि हम इसे ओरिजिन, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन ही बोलेंगे। एंड देन स्केल, स्केल का मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। अगर मैंने इंडिविजुअल, यानी कि जो भी मेरे पास ये वेरिएबल्स है एक्स और वाई में, तो मैंने इनमें कुछ, यानी कि मान लो कि आपके पास एक्स है और मैंने सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वाई है और मैंने वाई को सभी को 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो ओरिजिन और स्केल के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि अगर आप ओरिजिन और स्केल को उसमें अप्लाई भी करते हो, यानी कि मैंने एक्स को उसमें से कुछ ऐड किया है, वाई में भी कुछ मैंने ऐड किया या माइनस किया है, तो यानी जो मेरी ओरिजिनल एक्स और वाई है वो मेरे चेंज हो गए हैं, ऐसे मैंने मल्टीप्लाई किया है या मैंने डिवाइड किया है, तो मेरे जो ओरिजिनल एक्स और वाई हैं वो मेरे चेंज हो गए हैं। अगर मेरे ओरिजिनल एक्स और वाई क्या है, मेरे चेंज हो गए हैं, इसका मतलब कि वो जो मेरा आंसर निकल के आएगा आर का, वो मेरा आंसर जो आप जो वो चेंज इन से एक्स और वाई से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे वो बिल्कुल सेम होगा जो कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू से आर कैलकुलेट था, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड द स्केल। हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड द स्केल, ध्यान रखिएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन और स्केल से डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मेरे लिए कोफिशिएंट ऑफ आर है वो ओरिजिन और स्केल से क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट है दैट इज आर ऑलवेज लाइज बिटवीन, जो आर है वो हमेशा लाइज करता है किसके बिटवीन, -1 एंड 1, क्लियर। ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, उन्हीं के बीच में ये लाई करेगा। नेक्स्ट इज बोथ कोरिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं आर की, और जो कि आपको एग्जाम में भी आ जाए कि एक्सप्लेन करना है तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम भी देते हैं, उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको वो कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब कि कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आपको क्या देंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही देंगे।
ठीक है, एंड देन बोथ कोरिलेटेड वेरिएबल्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब कि जो भी है वो चेंज हो सकता है, इन्फ्लुएंस होगा, यानी कि जो दोनों वेरिएबल है कि जैसे जो एक्स है वो एक वेरिएबल या एक्स से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि वो चेंज हो रहा है. सो बोथ कोरिलेटेड वेरिएबल्स में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन और मोर अदर वेरिएबल, यानी कि वन और मोर दूसरे अदर वेरिएबल के द्वारा, यानी कि वेरिएबल्स के द्वारा वो रिलेट कर सकता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि वो डिपेंड करेगा एक ही वेरिएबल के ऊपर, वो एक से ज़्यादा के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकता है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी ड्यू टू बाय चांस, यानी ठीक है बाय चांस कब है, यानी कि स्पेशली इन स्मॉल सैंपल, कि जैसे हमारे लिए स्मॉल सैंपल है, हम क्योंकि स्मॉल सैंपल में क्या होता है कि इतना स्पेस भी नहीं है, तो यानी कि स्मॉल सैंपल में कोई ना कोई रिलेशन निकल जाता है और वो रिलेशन हमारा बाय चांसली भी निकलता है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. अब जो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बताने जा रही हूँ, नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. देखिए हमारे लिए आर स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. क्या मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, हम इसे ऑल्सो हम इसे ये भी बोलते हैं, दैट इज एक्सप्लेन वेरियंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरियंस. ठीक है, एक्सप्लेन वेरियंस को डिवाइड कर दो कितने से, टोटल वेरियंस से. सो आर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज अवर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. क्या मतलब होता है वेरियंस का, मतलब क्या है कि डेविएशन निकालना है. ठीक है, अब ये क्या लिखा है, एक्सप्लेन वेरियंस. ठीक है, एक्सप्लेन का जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने कहा है कि जो मेरी ना सेल है वो मेरी सेल ना पहले से इंक्रीज हो गई है, तो आपने कहा कि ठीक है ये बताइए कि रीज़न, आप ये बताइए कि आपकी जो सेल है वो और कौन से रीज़न से इंक्रीज हुई है. मैंने कहा कि जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि प्राइस के कारण. फिर मैंने दोबारा से बोला कि नहीं, इसके अलावा ये है कि प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हुई है, रेनफॉल काफ़ी अच्छी हुई है. सो इन एक्सप्लेन्स, यानी कि मैंने जो कुछ डिफरेंसेस है इन सभी को मैंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, तो अगर मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट में कहा तो उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि एग्जैक्ट में कि 100% ये रेनफॉल, 100% ये प्रोडक्शन के कारण ही हुई है. आई सेड नो, कि नहीं. मैंने कहा हाँ, ये था कि जैसे ही मैंने प्राइस को हल्का सा कम कर दिया, वैसे ही जो यानी कि एरेंस है वो मेरा क्या हो गया, अचानक से ही डिक्लाइन, यानी कि वो इंक्रीज करना शुरू कर दें, कि जब मैंने प्राइस को कम किया तो जो मेरे लिए सेल मेरी अचानक से ही इंक्रीज होना शुरू करने लगी. इसका मतलब क्या है कि इस जो ये मेरा यानी कि चेंज इन प्राइस वाला फैक्टर है वो मेरा क्या है, फिक्स है, यानी कि वो मैं उसे मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. तो से मैंने कहा कि मुझे 30% मालूम है कि वो मेरा एक्सप्लेन है, यानी कि चेंज इन प्राइस के कारण है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. रेस्ट मुझे 70% नहीं पता, वो हो सकता है कि जो वो चेंज है वो अदर फैक्टर्स के कारण है, यानी कि उसका मुझे मेन कॉज या उसका मुझे मेन फैक्टर नहीं पता. दैट जो उसका रिमेनिंग जो वो है, मैं उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरियंस. ध्यान रखिएगा, तो हम उसे अनएक्सप्लेन्ड वेरियंस बोलते हैं. ठीक है, सो उस अनएक्सप्लेन्ड वेरियंस को हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसके पार्ट को मैं इतना कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई. दैट इज 1 - r² कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरियंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरियंस. क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि 30% जो था वो चेंज इन प्राइस के कारण था, ठीक है, और जो 70% जो चेंज था वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स के कारण मेरे लिए चेंज आया,
इसका मतलब कि ये दोनों चेंज कंप्लीट होके हो गया है 100%, यानी कि जो जो भी डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो कितना हो गया है 100%, यानी 30% चेंज एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है, उसका रीज़न लिखा है कि वो प्राइस के कारण है। अब इसमें से अदर फैक्टर्स में चाहे मेरी प्रोडक्शन है, रेनफॉल है, जो भी रीज़न है, मैं उनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, नहीं कर पा रही हूँ। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, या तो आपको शॉर्ट में ही दे देंगे आर को कंप्यूट करने के लिए, ठीक है, और फिर यानी आपको क्या निकालना है, आर का स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये जो आर स्क्वायर, आप उसका स्क्वायर निकाल देंगे, वो हो जाएगा आपका डिटर्मिनेशन का कोफिशिएंट। अब है आपको नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है, तो वन में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि इन सभी का टोटल कितना आया है 100%, यानी कि वन, ठीक है। तो यानी कि वन में से माइनस कर देंगे हम आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं और हम ये तो मैंने कहा कि एक सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल लेके, फिर एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। अगर हमें इन्हें शॉर्ट में ही समझना है, क्योंकि एक्स और वाई ले, क्योंकि हमारे पास क्या है एग्ज़ाम में, हमें एक्स वैल्यूज, एक्स वेरिएबल्स और हमें वाई वेरिएबल्स गिवन होते हैं। यहाँ तो मैंने आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लिया, एक्स और वाई वैल्यूज यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उन्हें नहीं लिया। तो अब मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि दैट इज वेरिएशन इन द वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल इस कंसेप्ट को इसी से ही लिंक करना है कि जो वाई में जितने भी सारे चेंजेस होंगे वो किसके कारण हो रहे हैं, वो एक्स के कारण हो रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ जैसे हमें सेल का जो चेंज था, इसके कारण था मेन, वो था प्राइस के कारण, ये हमें मालूम था। तो इसका मतलब कि जो y का जो चेंज है, ठीक है, यानी कि वेरिएशन इन y इज डिटरमाइन बाय x, तो वेरिएशन इन y इज डिटरमाइन बाय x, वो यानी कि जो y में वेरिएशन है वो किसके द्वारा हो रही है, वो x के द्वारा डिटरमाइन की जा रही है। दैट इज द रेशियो ऑफ एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय यानी कि टोटल वेरिएंस, समझ में आया। तो यानी कि मैंने इतना बोला कि वाई में इतनी जो वेरिएशन है वो अगर एक्स के द्वारा डिटरमाइन की जा रही है, ठीक है, से कहाँ कि जो मेरे लिए आर है वो कितना है 0.8 है, ठीक है। तो मुझे आर स्क्वायर निकाला, दैट विल बी द 0.64। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 64% वेरिएशन, 64% ऑफ द वेरिएशन इन y सीरीज में जो 64% वेरिएशन है वो किसके कारण है, यानी कि r ड्यू टू किसके कारण है, r ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन निकल के आया है, वो वेरिएशन किसके कारण है, वेरिएशन इन x, वेरिएशंस या वेरिएशंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज वेरिएशन, मैंने वेरिएंस लिख दे, बात एक ही है, ठीक है, वेरिएशन इन एक्स, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि जो रिमेनिंग है वो 36% जो रिमेनिंग है वो अदर फैक्टर्स के कारण है, यानी कि जो इसकी वेरिएशन है वो किसके कारण है, वेरिएशन इन वाई सीरीज आर ड्यू टू अदर फैक्टर, वो अदर फैक्टर्स के कारण है, वो इसके कारण नहीं है। तो ये जो अदर फैक्टर्स के कारण है इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये है 1 - r² दैट इज कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, या हम इसे के स्क्वायर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज के स्क्वायर। नाउ अब इसका मतलब अगर मैं इसको एक शॉर्ट वे में भी, अब क्योंकि हमें इसमें से एग्ज़ाम में भी आते हैं अलग अलग, इसके नोटिफिकेशन में भी देखे, सो टोटल वेरिएंस क्या होता है, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएंस, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएंस प्लस अनएक्सप्लेन वेरिएंस, क्या है, टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएंस, यानी कि टोटल है यानी एक्सप्लेन और अनएक्सप्लेन दोनों को ही मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब एक्चुअल में एक्सप्लेन्ड वेरिएंस हमें फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल के मेथड के द्वारा, तो वो कैसे होता है,
दैट इज वाई सी. वाई सी ये मेरा गिवन वाई नहीं है, ये वाई सी माने कि मैं जो ये कंप्यूटेड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा ये कंप्यूटेड वैल्यू है जो कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है. और ये हम कंप्यूटेड वैल्यू जो होती है ना ये वाई की, ये हम कहाँ निकालते हैं, ये रिग्रेशन में निकालते हैं, ये हम कोरिलेशन में नहीं निकालते, ये रिग्रेशन इक्वेशन में की हेल्प से हम निकालते हैं. तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि दैट इज़ वाई सी, यानी कि जो हमारी इसकी कंप्यूट करके निकल के आई है, माइनस मीन. ठीक है, इसका मतलब कि इन दोनों में क्या है कि हम इन दोनों के मेथड हैं, इनके मेथड हैं कंप्यूट करने के. ठीक है, सो इनको मैं जो भी डिफरेंस आया है उसके स्क्वायर को मैंने समेशन किया. ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस. अब मेरा अनएक्सप्लेन का मतलब क्या है कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. दैट इज वाई, वाई मेरा ओरिजिनल यानी कि डाटा जो मुझे गिवन है, मुझे नहीं पता वो डाटा कहाँ से, क्योंकि मुझे तो एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में वो चीज़ गिवन है, तो मैं उसको भी यानी कि उसको मैंने कंप्यूटेड वाई से डिफरेंस किया, यानी कि जो दो वाई को, एक वाई मेरा कैलकुलेट करके आया, इस वाई सी को हम कैलकुलेट करना रिग्रेशन में सीखेंगे. सो वाई माइनस वाई सी इनके दो कैलकुलेटेड ही है, एक ओरिजिनल के ऊपर है और एक मैंने निकाली, सॉरी दो वाई की वैल्यू है. तो यानी कि दो वाई की वैल्यू एक मेथड से निकल के आई है और एक हमें गिवन है. तो इनमें क्या चेंजेस आर निकल के आ रहा है ये हमें इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो उसके स्क्वायर का समेशन और इसके स्क्वायर के समेशन को हम ऐड करेंगे तो वो मेरे पास निकल के आता है क्या, दैट इज माई टोटल वेरियंस, यानी कि टोटल वेरिएशन. सो ये क्या बनेगा, वाई माइनस वाई मीन, क्योंकि ये हमें डाटा से ही होता है, ये मेरा ओरिजिनल है डाटा, ओरिजिनल डाटा से ही हम क्या निकालेंगे, कोई कंप्यूटर डाटा हमें यूज़ नहीं करना, ओरिजिनल डाटा का ही मुझे क्या लेना है, मीन लेना है. तो इसीलिए ये मेरा होता है टोटल वेरिएंस का स्क्वायर का समेशन. अब मुझे लेना है कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, सो दिस इज दिस डिवाइड बाय दिस. एंड नाउ कॉफिशेंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो दिस डिवाइड बाय दिस, सिंपल. सो इनमें क्या है, वो बहुत ईजी है, इन सभी के मैथड फॉर्मूले भी काफ़ी ईजी हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दैट इज वाई सी माइनस मीन का समेशन एंड देन वाई माइनस मीन का स्क्वायर का समेशन. तो हम इसी तरीके से इसका भी नॉन डिटर्मिनेशन का भी हम फॉर्मूला ही बना सकते हैं. अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, अगर मुझे इनके बीच की रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन आर एंड आर स्क्वायर, ठीक है, आर और आर स्क्वायर के लिए. सो फर्स्ट अगर मैं आर क्या है, जीरो है और वन है, इसका मतलब कि आर अगर जीरो है और वन है तो मेरे लिए आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और वन हो जाएगा. इसका मतलब है कि हम इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी जीरो होगा और वन होगा, यानी इसका मतलब है कि आर और आर स्क्वायर आपस में सेम हो जाएंगे. सेकेंड इज कि अगर r की वैल्यू कम होती है तो r स्क्वायर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीजेज मोर रैपिडली, बहुत तेजी से मोर रैपिडली वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. हम एक यानी कि न्यूमेरिकल तो नहीं, एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे कि जैसे r की वैल्यू है मेरे लिए 1, तो r स्क्वायर इज 1, r की वैल्यू हो गई यानी कि 0.9, तो आर स्क्वायर 0.81, तो 1 से कम हुआ यानी कि वो 0 में आ गया, आर की वैल्यू कम हुई 0.8, आर की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू 0.64, तो हमने देखा कि उसमें जो आर स्क्वायर है वो रैपिडली डिक्रीज कर रहा है. आर तो फिर भी अगर एक एक पॉइंट से डिक्रीज कर रहा है, पर आर स्क्वायर जो है वो काफ़ी यानी कि तेज से वो काफ़ी रैपिडली डिक्रीज कर रहा है. अब हमारे लिए मेन चीज़ है कि हम इन्हें यानी कि जो आर स्क्वायर में हमने देखा कि जो आर स्क्वायर है क्या वो हमारे साइन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं, हमारा आर स्क्वायर हमारे साइन को एक्सप्लेन नहीं करता. ठीक है, आर जो है वो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव,
यानी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं. विच इंडिकेट द डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप कि वो कहाँ जा रहा है, वो कितना इंक्रीज है, वो कितना डिक्रीज है. लेकिन अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताना है, वो हमारे डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता, तो वो क्या एक्सप्लेन करता है. सो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इंडिकेट्स ओनली स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, नॉट डायरेक्शन. यानी कि वो स्ट्रेंथ को ही बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताता. सो प्लीज़ ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट को पूछा गया है कि अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो वो बताता है मेरा आर, और जो आर स्क्वायर ही मेरा क्या बताएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि वो इतनी स्ट्रेंथफुल है, यानी कि वो वीक है या फिर वो हाई है. ठीक है, अगर मेरे लिए आ जाता है कि एक्सप्लेन करना कि एक्चुअल में हमें जो कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है उन्हें हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है, तो ये यूज़फुल है किन किन चीज़ों के लिए. आर स्क्वायर हमारे लिए यूज़फुल है कहाँ, ठीक है, दो कंसेप्ट में हमारे लिए यूज़फुल है. एक तो हमें कि जब मैंने R फाइंड आउट कर दिया, R को मुझे और क्या करना है, उसे एक्सपेंड करना है, यानी कि मुझे R को और अच्छे से इंटरप्रेट करना है. सो इन वाइल इंटरप्रेटिंग R, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, ठीक है, इन इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, ताकि R स्क्वायर से हम R को और बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. ठीक है, हमने रिलेशन निकाल दिया, फिर हम ये बता सकते हैं कि इसमें से जो रिलेशन है वो कितना परसेंटेज एक्सप्लेन है और कितना अनएक्सप्लेन है. नेक्स्ट, यानी कंपेयर करने के लिए, तो हम इजीली उनमें यानी कि अदर से भी ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जितने भी सारे हैं उन सभी को कंपैरिजन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ टू और मोर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में भी ये क्या है, काफ़ी यूज होता है. ठीक है, तो हमारे लिए मेन यही था कि इसके कौन से फॉर्मूले हैं, इसे भी हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट था. ठीक है, वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, और जितने भी हमारे सारे वन मार्क वाले या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अब मैं बात करती हूँ के की, के क्या होता है मेरा, के मेरे लिए है कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन. के इज कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन, ध्यान दीजिएगा क्या होता है ये, के इस इज नथिंग. अभी मैंने आपको बताया कि के स्क्वायर क्या था मेरा, के स्क्वायर इज माई वन माइनस आर स्क्वायर, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन. अगर मुझे के निकालना है, ये जस्ट इसका एक नेम है, ठीक है, कि हम इसको एलिनेशन बोलते हैं. क्या होगा ये, क्योंकि ये हमें k है, तो दैट इज वन माइनस आर स्क्वायर से तो हमारा k स्क्वायर होता ही है, अब इसका स्क्वायर यहाँ जाएगा, सो प्लस माइनस अंडर रूट, दिस इज क्वाइट इजी. सो यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा k स्क्वायर ही कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन है, वही होता है वन माइनस आर स्क्वायर. ठीक है, तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी और कौन कौन से क्वेश्चंस आए गए हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे एग्जाम्स में भी सारे क्वेश्चंस आए हैं, और आपको सभी को ये फॉर्मूलेज जो हैं वो लर्न करने हैं स्मॉल. ठीक है, हमारे लिए इन कंसेप्ट से आर निकालने को दे दिया जाएगा, आर के बाद हमें आर स्क्वायर निकालना है, के स्क्वायर, एंड देन हमें के फाइंड आउट करना है, उनके बीच में हमें इंटरप्रिटेशन को भी करना है. तो इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं. सो ये जितने भी सारे हमारे मेन प्रॉपर्टीज थी वो मैं आपको ऑलरेडी इस आज की वीडियो में मैंने समझा दिया. थैंक्स फॉर योर टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.